नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल फिटनेस अनलिमिटेड। गर्मी बहुत है और ऐसे में खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में हमारे बॉडी से वाटर लॉस बहुत होते रहते हैं, अगर आप एसी में हैं फिर भी, तो ऐसे में प्रॉपर हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन डाइजेस्टिव सिस्टम पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। ब्रेन, स्किन, सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं, ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन एक्सट्रीम कंडीशन में फेटल भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अपने गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए मैं आज ऐसे 5 टिप्स बताऊंगी, जिससे आप एक्सट्रीम गर्मी को भी इजीली कोप कर पाएंगे। प्रोबायोटिक्स खाना आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, एज इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गट और माउथ के फ्लोरा को इम्प्रूव करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या स्टमक पेन में डॉक्टर्स प्रोबायोटिक्स खाना रेकमेंड करते हैं। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें नेचुरली ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पनीर इज एक्सलेंट सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक और आपके दांत और हड्डियों के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। कम्बुचा, फर्मेंटेड ब्लैक एंड ग्रीन टी होते हैं जो प्रोबायोटिक के रिच सोर्स हैं। वर्ल्ड वाइड ये पॉपुलर ड्रिंक है। किमची कोरियन ट्रेडिशनल फर्मेंटेड वेजिटेबल डिश होते हैं जो प्रोबायोटिक, विटामिन, मिनरल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट में रिच होते हैं। केफा फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक होते हैं जो केफा ग्रेन से बनाए जाते हैं और प्रोबायोटिक्स में रिच होते हैं। सॉरक्राउट एक जर्मन डिश है जो कैबेज को फर्मेंट करके बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन की वजह से इसके न्यूट्रिएंट और प्रोबायोटिक्स ये दोनों में इनरिच हो जाते हैं। दही में लैक्टोबैसिलस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ये नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। गर्मियों में आपको हाइड्रेटेड और ठंडा भी रखते हैं। भरपूर मात्रा में फाइबर खाना भी बहुत जरूरी है, ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो आपके स्टूल को बल्क साइज एंड सॉफ्ट बनाते हैं, जिससे आपका बॉवल क्लियर होता है और इस तरह से वो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम में सपोर्ट करते हैं। फाइबर आपके वेट लॉस जर्नी के लिए भी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। लगभग सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फाइबर से भरपूर होते हैं। होल ग्रेन्स या छिलके वाले दाल खाना बहुत ही फायदेमंद होते हैं। चिया सीड्स, एवोकाडो, ब्रोकली, ओट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, किनोवा, ब्राउन राइस, नट्स, ये सारे फाइबर से भरपूर होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिशन से भी रिच होते हैं। ये न्यूट्रिशन के साथ साथ हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोगों को चाय या कॉफी का एडिक्शन होता है, वो बिना पिए रह नहीं पाते हैं, पर ज्यादा कैफीन की मात्रा गट लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, जिससे डाइजेशन डिसरप्ट हो जाते हैं और गैस बन जाते हैं और आपको पेट दर्द का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप चाय के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं तो 1 या 2 कप पर डे चाय पीजिए। आप कॉफ़ी की जगह मैचा टी, जो एक जापानीज ड्रिंक है, टी लीव से बनते हैं, वो पी सकते हैं। ब्लैक टी, ग्रीन टी, कम्बोचा टी ले सकते हैं जो आपको प्रोबायोटिक्स के साथ साथ प्रॉपर हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कैफीन इंटेक भी कम हो जाएगा। अपने गट को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रेशन फूड्स को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करने के लिए ईजी बना देते हैं, स्टूल को भी सॉफ्टर एंड स्मूदर बना देते हैं। इट इज वाइटल फॉर ऑप्टिमल डाइजेस्टिव फंक्शन। अगर आपका गट हेल्दी है तो आपके ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, ओवरऑल बॉडी फंक्शन भी सही रहेंगे। गर्मियों में पाए जाने वाली फल और सब्जियों में भरपूर मात्रा में पानी, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपको हाइड्रेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। आप तरबूज, खीरा, छाछ, नारियल पानी, लस्सी, हर्बल टी का इंटेक बढ़ा दें, ये सब आपके गट को हेल्दी रखने में मदद करेंगे। हल्दी में कर्क्यूमिन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं और गट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, जो गट के इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और इरिटेबल बोवल सिंड्रोम से भी राहत पहुंचाते हैं। स्किन के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करते हैं। हल्दी को हम खाने में कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन खाने में तो हल्दी का रोजाना इस्तेमाल होता है, दाल और सब्जियां बिना हल्दी की नहीं बनती। आप हल्दी को स्मूदीज, सूप्स, करीज में डालकर खा सकते हैं और चाय बनाकर भी पी सकते हैं। रोजाना अगर हल्दी को गर्म दूध में मिलाकर पिएंगे तो आपको नींद भी काफी अच्छी आएगी और गट हेल्थ भी अच्छा रहेगा। गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुकिंग प्रोसीजर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
ज़्यादा तेल मसाला खाने से आपका गट इरिटेट हो जाते हैं। जो भी फल सब्जियां आप खाते हैं उसको फ्रेश खाएं या सीजनल ज़रूर खाएं, क्योंकि हर सीजनल सब्जियों में वो सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपको और आपके गट को हेल्दी रखते हैं। अगर आपका गट हेल्दी होगा तभी आपका ओवरऑल बॉडी भी हेल्दी होंगे। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग। नमस्कार।